देश भर महंगाई की मार लगातार, तेल के दामों में लगी आग पर काबू से पहले एलपीजी के दामों में फिर इजाफा, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 250 रुपए हुआ महंगा। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,253 रुपए में मिलेगा। हवाई सफर हुआ महंगा, साल में सातवीं बार बढ़े जेट फ्यूल के दाम, 1,12,924 रुपए 83 पैसे प्रति किलो लीटर हुआ दाम। पेट्रोल डीजल के दाम में लगी आग जारी, श्रीगंगानगर में पेट्रोल 119 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, श्रीगंगानगर में डीजल ने भी जुड़ा महंगाई का शतक, 101 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। यूक्रेन में जंग के 37वें दिन मारियोपोल में भीषण आग, गोले दागते दिखे रूसी फौजी। मारियोपोल में हर तरफ तबाही के निशान, शहर में पसरा सन्नाटा। खार्किव की जलाने वाली तस्वीर आई सामने, पहले से खंडहर शहर पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी। खार्किव में धमाकों के बीच गैस लाइन में लगी आग, दूर तक दिखाई दी ऊंची लपटें। खार्किव की एक इमारत में भी आग, पूरे शहर में सन्नाटा। इरपिन में रूस के हमलों के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, मलबे से निकाले गए शव। यूक्रेन के कादिरोव में भीषण लड़ाई, गोलियां बरसाते दिखे फौजी। इरपिन के कई लोग कीव पहुंचे, इरपिन में हालात खराब। डोस्टिनेट शहर में भी टूटा रूस का कहर, पूरा शहर मलबे में तब्दील। ट्रॉस्टियनेट में जगह जगह बम धमाकों के निशान, शहर में हर तरफ जली हुई गाड़ियां। मारियोपोल में जबरदस्त बमबारी, बचने के लिए भागते दिखाई दिए लोग। कीव के गांव तक पहुंची जंग की आग, यूक्रेनी फौज ने रूस के दो टैंक्स फूके। सियासी भवन में फंसे इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता के सामने किया इमोशनल भाषण, विपक्ष पर लगाया कौम के साथ गद्दारी का आरोप। इमरान खान ने विपक्ष की मांग को किया खारिज का, इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। विपक्ष की घेराबंदी को इमरान ने बताया अमेरिका की साजिश, कहा रूस जाने के फैसले से नाराज हैं जो बाइडेन। इमरान खान ने दिए कुर्सी छोड़ने के संकेत, कहा 3 अप्रैल को जाएगा फैसला, मेरे हट्टे खुश हो जाएगा अमेरिका। विपक्ष के हमले से घिरे इमरान ने अपने भाषण में कराई भारत की एंट्री, बोले एक किताब में है जिक्र कि कैसे नरेंद्र मोदी ने छिप छिप कर मिले हैं वो नवाज शरीफ से। अपने संबोधन में इमरान ने लापा कश्मीर करा, कहा 370 हटने तक नहीं किया था हिंदुस्तान का विरोध। करीब एक घंटे की देरी से शुरू हुआ इमरान खान का संबोधन, चीन से लौटे पाकिस्तानी विदेश मंत्री के साथ बैठक की वजह से हुई देरी। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने मोर्चाबंदी के बीच लगातार एक्शन में है इमरान खान, भाषण से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बुलाई बैठक। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुरू होते ही स्थगित हुई पाकिस्तान संसद की कार्यवाही, अब 3 अप्रैल को हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। इसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिनकी मुलाकातें हिंदुस्तान के लोगों से ढकी छुपी नहीं है। विपक्ष ने इमरान खान से फिर मांगा इस्तीफा, सहयोगी पार्टियों के साथ बैठक के बाद शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ पर घटिया आरोप लगा रहे हैं पाकिस्तान के पीएम। 2 दिन से भारत दौरे पर पहुंचे रूस के मंत्री, विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी होगी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर। शोपियां में सुरक्षा बलों के कुछ आतंकियों के छिपे होने की का शक, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में इको टूरिज्म पर सरकार का जोर, राजौरी में वन विभाग तैयार कर रहा है नेचुरल ब्यूटी टूरिस्ट स्पॉट। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हिंसा के मामले में सीबीआई टीम ने फायर विभाग के कर्मचारी से की पूछताछ, हिंसा के दौरान 8 की गई जान, घरों के बाहर बंद कर लगा दी गई थी आग। वीरभूम के रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा, इस केस में सीबीआई ने तेज की तफ्तीश की रफ्तार। बीजेपी ने नीतीश के पाले में डाली गेंद, कहा अगर मुख्यमंत्री की इच्छा है तो किया जाएगा पूरा सम्मान। अभी तो दिल्ली तय करेगा, निश्चित रूप से स्वाभाविक है वो अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बनेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर राबड़ी देवी ने दी प्रतिक्रिया, बोले अच्छा है चले जाएं, कोई उनको रोकना भी नहीं चाहता है। नए वित्तीय वर्ष में बिहार देश का 5वां सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य बना, लड्डू सेरेमनी से मनाया गया जश्न। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार ने खर्च किया 2 लाख करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में साथ मिलाई कदम ताल।
तीर्थ नगरी ऋषिकेश में अमिताभ बच्चन फिल्म शूटिंग के दौरान परमार्थ निकेतन घाट पर की गंगा आरती, फिल्म की पूरी यूनिट रही मौजूद। अमिताभ बच्चन ने स्वामी चिदानंद सरस्वती से की मुलाकात, रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष माला और धार्मिक पुस्तकें की भेंट। पश्चिम बंगाल के मालदा में मेडिकल कॉलेज में घायल महिला से रेप की कोशिश, केस दर्ज, तफ्तीश में जुटी पुलिस। पंजाब में क्लीन स्वीप वाली सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी उत्साहित, हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हाउस की दीवार पर लिखे गए भद्दे स्लोगन, लापरवाही के आरोप में 5 सुरक्षाकर्मी निलंबित, 3 छात्रों को दिया गया नोटिस। सहारनपुर में उर्दू अकेडमी ने मनाया योगी सरकार 2.0 का जश्न, मुशायरे का किया आयोजन। गुरुग्राम के सेक्टर 63 में मंदिर के पुजारी की हत्या केस में गांव का शख्स गिरफ्तार, परिजन की समाधि को तरजीह न देने पर पुजारी की हत्या का किया कबूलनामा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ओएनजीसी प्लांट में लगी आग, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी। ओएनजीसी प्लांट के तेल टैंक में लगी आग से आसमान में दूर तक छाया गहरा धुआं, कई घंटों बाद आग पर हुआ काबू। हल्द्वानी में आदमखोर बाघ का आतंक, 6 लोगों को बना चुका है शिकार, पकड़ने की कोशिश नाकाम। शिवपुरी में अज्ञात लोगों ने खेत में लगाई आग, तैयार खड़ी लाखों की गेहूं की फसल जलकर खाक। कोटा रेलवे स्टेशन पर रंगे हाथ पकड़ा गया घूसखोर सीनियर डीसीएम, जूनियर कर्मचारियों से मांगी थी रिश्वत। धौलपुर के चामुंडा मेले में गैस सिलेंडर में भड़की आग, करीब आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक। हादसे के वक्त मेले में मौजूद थी भारी भीड़, आग की लपटें दिखने के लिए मची अफरा तफरी। सूरत में घर में घुसे लुटेरों से भिड़ी 20 साल की छात्रा, लड़की की हिम्मत के आगे पस्त पड़े बदमाश। सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के रास्ते में बिछाए आईईडी, जवानों ने सुरक्षित तरीकों से ब्लास्ट करने की साजिश को किया नाकाम। मध्यप्रदेश में यूपी की तर्ज पर चला शिवराज का बुलडोजर, अलीराजपुर में वांटेड अपराधी का घर किया जमींदोज। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, देश भर में जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस ने महिला मोर्चे की मोर्चाबंदी, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल। रायपुर में महंगाई मुक्त भारत बनाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन, गैस सिलेंडर को माला पहनाकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा पर संसद में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पहले स्कीम का उड़ाते थे मजाक, कोरोना काल में पता चल गई अहमियत। राज्यसभा के 72 सांसदों का खत्म हुआ कार्यकाल, भावुक हुए पीएम, बोले अनुभवी साथियों के जाने की खलती है कमी। अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है। दार्जिलिंग में दिखा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का कुकिंग अंदाज, सुबह की सैर के दौरान मोमोज बनाती दिखी ममता बनर्जी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा के बेड़े को दिखाई हरी झंडी, कहा 3,500 लोगों को मिलेगा रोजगार, प्रदूषण कंट्रोल करने में भी मिलेगी मदद। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा केजरीवाल के घर पर हमले का मामला, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जल्द जांच शुरू कराने की मांग। केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में यूपी में कई जगहों पर विरोध, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को घेरा। केजरीवाल के घर पर हुए हमले में उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन, देहरादून में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। घर पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के सीएम ने दी प्रतिक्रिया, बोले केजरीवाल नहीं देश है महत्वपूर्ण। केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, इस देश का एक आम नागरिक हूं, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। कश्मीर फाइल्स पर बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की बढ़ रही है नाराजगी, दिल्ली में सीएम का पुतला चलाया। आपने किया जम्मू कश्मीर का रुख, सियासी जड़े मजबूत करने के लिए अगले महीने सूबे का दौरा कर सकते हैं केजरीवाल। 2 अप्रैल को गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में एफ्सपा का दायरा घटा, सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एफ्सपा पर फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा पिछले 7 सालों में पीएम ने नॉर्थ ईस्ट में बनाया शांति का माहौल। पिछले 7 सालों में नॉर्थ ईस्ट आंध्र में जो शांति लाए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहल की है और अमित शाह जी ने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसका माध्यम से कई जो संगठन है जो गलत रास्ते में थे वो रिटर्न हो गए हैं। उन्नाव में 12वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इंग्लिश का पेपर आउट होने के बाद दी जान।
कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, उपकरण बरामद। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में मिट्टी धंसने से दब गई 10 बच्चियां, 1 की मौत, 9 का किया गया रेस्क्यू। नागपुर में बीच सड़क बड़ा हादसा, धू कर जली दौड़ती बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर में कलाकार ने 1000 किलो कबाड़ से किया कमाल, अम्बेसडर कार को दिया नया रंग रूप। पटना में कल डीजल बस और ऑटो में लगेगी रोक, ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स ने सरकार के फैसले पर जताई चिंता। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत सूबे के आला अधिकारी रहे मौजूद। बढ़ती गर्मी के बीच स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने बढ़ाया इंतजाम, ज्यादा पंखे की जगह और पंखे लगाए गए, पीने के पानी की गई बेहतर व्यवस्था। सूरत में 40 डिग्री पार पहुंचा तापमान, नेचर पार्क में गर्मी से परेशान पशु पक्षी, पानी की बौछार कर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। ओडिशा में लगातार छलांग मार रहा है पारा, कई जगहों पर 42 के पार पहुंचा अधिकतम तापमान।